उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेयोहाल स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव के समापन अवसर पर मेयोहाल से निकले 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और आप पूर्व में प्रयागराज के जिलाधिकारी भी रहे हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इनके बाद मैं अनुरोध करती हूँ श्री अभिनव सिन्हा जी, स्क्वैश के क्षेत्र में भारतीय टीम का आपने प्रतिनिधित्व किया। 10 खिलाड़ी वर्तमान समय में इनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं और भारतीय जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद आदरणीय श्री दलीप त्रिपाठी जी, जोरदार तालियां। इनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी सौरभ घोषाल जी, प्रयागराज को यह अनमोल कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेयोहाल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। दुनिया है, वैश्विक मंच पर किसी देश के सामर्थ्य की अगर तुलना हम करते हैं तो स्पोर्ट्स उसमें से एक है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या कोई भी विश्व स्तरीय चैंपियनशिप का या कोई इंटरनेशनल गेम हो, इन सब में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों के द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन से उस देश की सामर्थ्य का अंदाजा लग जाता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मेयोहाल स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव के समापन समारोह में बोलते हुए कहा कि खिलाड़ी एकलव्य की तरह एकाग्रता और टीम भावना के साथ आगे बढ़े। सरकार हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। खेल के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन सभी खिलाड़ियों ने जिन्होंने प्रयागराज की इस धरती पर, यानी अब तक तो हम प्रयागराज को संगम नगरी के रूप में मानते थे, सनातन हिंदू धर्मावलंबी इस बात को मानता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं उत्तर भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का और दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय प्रयागराज से देश के सबसे बड़े प्रदेश के आबादी को, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन करता रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में उपेक्षित पड़े खेल के क्षेत्र में नित नए आयाम बन रहे हैं। प्रयागराज को अब तक हम संगम नगरी के रूप जानते हैं। यहाँ इलाहाबाद विवि व अन्य संस्थाएं भी हैं। उच्च न्यायालय भी यहाँ है। प्रयागराज की इन सभी परंपराओं के साथ ये भी मान्यता है कि दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज का यही था। प्रयागराज की इन सभी परंपराओं के साथ एक मान्यता है कि दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज में बनाई और मुझे लगता है महर्षि भारद्वाज का ही आशीर्वाद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक लंबे समय तक देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान ग्रहण करके मेरिट की सूची में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का नाम आता है तो प्रयागराज के महत्व को कई गुना बढ़ाता है। प्रयागराज की अपनी अलग पहचान है। सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में बैडमिंटन से आईएएस सुहास अलवाई और दमयंती तांबे एवं स्क्वैश से अभिनव सिन्हा और दिलीप त्रिपाठी शामिल रहे। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम सिन्हा ने अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यो हाल के विस्तार की बात कही।
इस पर सीएम योगी ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास और विस्तार किया जाएगा, इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने मंच से ही अधिकारियों से इसके विस्तार और विकास के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। पूर्व वक्ता मेरे सहयोगी ब्रजेश पाठक जी ने, नंद गोपाल नंदी जी ने और खेल मंत्री जी ने जो बात यहाँ पर कही उसी को आगे गति देने के लिए लगभग प्रयागराज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए अकेले प्रयागराज में ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए ही जो हमारी कुल योजना है, जो प्रोजेक्ट का जो हमारे यहाँ पर कार्य होने जा रहा है, 60 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को अकेले इसी परिसर के लिए कार्य संपन्न है। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो हमारे प्रयागराज के अंदर मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, सांसद विनोद सोनकर व स्थानीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह और महापौर अभिलाषा गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मेयो हॉल क्रीड़ा संकुल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 अक्टूबर को किया था। प्रतियोगिता में कुल 6 खेल हैं जो रविवार से शुरू होकर आज तक चले। 8 अक्टूबर को समापन समारोह होना था, उसमें मुख्यमंत्री योगी मुख्य अतिथि थे। यह कार्यक्रम एक दिन पहले शुक्रवार को ही आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी तब्दीली हुई, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने आनन फानन में तैयारियां की।